डियर स्टूडेंट्स, आज हम इब्सा जी या जिसे G3 के नाम से भी जाना जाता है उस क्षेत्रीय संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इब्सा जो संगठन है वो है 3 देशों से मिलकर बना हुआ, जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम लें I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील एंड ऐसे का मतलब है साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका तीनों बड़े राज्यों के संयुक्त उद्देश्यों और व्यापारिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन इब्सा का गठन किया गया। इस संगठन को बनाने की मूल रूपरेखा इन देशों ने 1 से 3 जून 2003 को अनौपचारिक रूप में G8 के शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस में की थी, और औपचारिक रूप से इसको गठित किया गया 6 जून 2003 को। इब्सा की स्थापना कब हुई, औपचारिक रूप से गठन कब हुआ, 6 जून 2003 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। तो सबसे पहली बात तो आती है कि इब्सा की फुल फॉर्म क्या है या G3। तो इब्सा की फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तीनों बड़े राज्यों का एक संगठन, और इसकी स्थापना हुई 6 जून 2003 को। कहाँ की गई, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। जो औपचारिक इसका गठन किया गया था, ये बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की थी। इस गठन की मूल रूपरेखा इस बात से तय की गई थी कि तीनों देश विशाल देश हैं, इंडिया भी एक बड़ा देश है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तीनों देश बड़े देश हैं, विशाल देश हैं, और किसी भी कसौटी पर ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार हैं। क्या कसौटी थी तीनों के एक साथ गठन की, कि एक तो ये तीनों बहुत बड़े देश हैं, विशाल देश हैं, और तीनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार हैं। ये देश इस मंच द्वारा सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार तथा इसमें स्थान प्राप्ति का प्रयास करेंगे। यानी ये तीनों ही देश मिलकर सुरक्षा परिषद की जो वर्तमान संरचना है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और इसमें अपना स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ये देश एक दूसरे देश की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करेंगे, और आने वाले समय में ये तीनों देश आपस में व्यापारिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या हो गए, एक तो व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध मजबूत करना, और दूसरा सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार और सुरक्षा परिषद में अपना स्थान बनाने के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करना। इब्सा का जो तीसरा शिखर सम्मेलन था वो 15 अक्टूबर 2008 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ, भारत में, नई दिल्ली में, तीसरा शिखर सम्मेलन इब्सा का। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में ये संपन्न हुआ था ये शिखर सम्मेलन। तो इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने संयुक्त रूप व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित की, और इस बैठक में जो दिल्ली घोषणा पत्र जो स्वीकार किया गया था उसमें नाभिकीय क्षेत्र में भारत के सुरक्षा मानकों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा भारत के साथ नाभिकीय कारोबार के लिए नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG की सर्वसम्मत स्वीकृति का स्वागत किया गया। इब्सा का जो चौथा शिखर सम्मेलन था वो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 15 अप्रैल 2010 को संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका ने संयुक्त रूप से क्या किया, 2 उपग्रहों के विकास के साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार,
जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार वार्ताओं में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। इन उपग्रहों के उपयोग से तीनों देशों के कृषि विकास और जलवायु अध्ययन में पर्याप्त सहायता मिलने की संभावना है। अक्टूबर 2011 में इब्सा का 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारत, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष ने विकसित देशों के समक्ष विद्यमान आर्थिक संकट सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। जिन अन्य मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा सम्मेलन में की गई उनमें इब्सा ट्रस्ट फंड, इब्सा डायलॉग फोरम और त्रिपक्षीय व्यापार के मुद्दे शामिल थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि इब्सा देशों का आपसी जो वार्षिक व्यापार है जो उस समय 20 अरब डॉलर के निकट था बढ़कर वर्ष 2015 तक 25 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार कर जाएगा। कहने से अभिप्राय ये है कि इब्सा सम्मेलन में तीनों देशों के जो व्यापार या आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया है और इब्सा का 6ठा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में संपन्न हुआ। इस प्रकार जो ये सहयोग संगठन होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक तो व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग बढ़ाना। इसके अलावा इनके समक्ष जो भी समस्याएं हैं जैसे कोई संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार चाहते हैं, ये इब्सा का तो ये प्रमुख रूप से उद्देश्य था कि ये सुरक्षा परिषद में इब्सा के तीनों ही सदस्य दावेदारी रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमें भी सुरक्षा परिषद में स्थान मिले, तो इसलिए ये तीनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे की दावेदारी का भी समर्थन करते हैं सुरक्षा परिषद में। और इनके सामने जो भी जिस प्रकार के मुद्दे होते हैं जैसे कोई तकनीकी विकास का हो सकता है या जलवायु परिवर्तन पर विचार हो सकता है या फिर कृषि विकास या जलवायु अध्ययन, उन पर मिलकर आपस में सहयोग करते हैं और उन क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कुछ वैश्विक समस्याएं हैं या उन देशों के सामने समस्याएं होती हैं जैसे आतंकवाद वगैरह, उनसे निपटने के लिए भी सहयोग करते हैं। और इस प्रकार हमने सार्क भी पढ़ा था। सार्क एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और उसके बाद हमने ब्रिक्स पढ़ा, वो भी एक सहयोग संगठन है। इब्सा इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का एक सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। इन सभी सहयोग संगठनों में एक बात कॉमन रूप से देखने को मिलती है कि ये व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग के लिए संगठित हो जाते हैं और फिर जो उनकी साझा समस्याएं होती हैं उनको हल करके और तीव्र आर्थिक विकास और समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। धन्यवाद।